नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बार बार यही एक ही बात बोलता आ रहा हूँ कि आप अपनी सेफ्टी रखिए, अपने परिवार की सेफ्टी रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं दिनों पर दिन दिन बढ़ते केस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, समझ रहे हैं? आपके तो आपके 3 लाख के करीब पहुँच चुके हैं केस। इसलिए आपको अपनी सेफ्टी रखनी है और आपको अपने परिवार की सेफ्टी रखनी है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और आपने देखा है कि आपका साथ देने वाला भी कोई नहीं है, तो इसलिए कृपया करके अपने घर में अपनी सेफ्टी और अपने परिवार की रखिए। आज हम लोग बात करेंगे भारत में महिला कार्यबल की स्थिति, यानी कि महिलाओं के काम करने की स्थिति क्या है। ठीक, भारत में महिला कार्यबल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 2018 के सामयिक कार्य बल सर्वेक्षण में 71.2% कामकाजी पुरुषों की तुलना में 15 वर्ष से अधिक उम्र की केवल 22% महिलाएं ही कामकाजी थी। यानी कि समझ सकते हैं कि पुरुष 71.2% कामकाजी हैं, उनमें केवल आपकी महिलाएं 22% हैं। यानी कि एक बहुत अंतर पुरुषों और महिलाओं में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग अन्य देशों से तुलना करें तो नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में 4 में से 3 महिलाएं औपचारिक कार्यबल का हिस्सा हैं, यानी कि 4 महिलाएं हैं तो उनमें से आपकी 3 काम कर रही हैं। वहीं अमेरिका की अगर हम बात करें तो 46.48, कनाडा की अगर बात करें तो 47.3, फ्रांस की अगर हम लोग बात करें तो 48, और चीन में अगर बात करें तो 61% महिलाएं कामकाजी हैं। एक बात आप लोग हमेशा याद रखा करिएगा, आपको अपने बच्चों की बराबरी जो बिल्कुल कमजोर है उन बच्चों से नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, अधिकतर हमारे नेता होते हैं, पॉलिटिशियन, वो क्या करते हैं कि हमारी बराबरी हमारे देश की पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से करने लगते हैं। अब ये वो टाइम खत्म हो गया यार। अगर आपको विकसित देशों की श्रेणी में जा खड़ा होना है तो आपको विकसित देशों जैसा चलना होगा, ना कि इस तरह पिछड़े हुए देशों जैसा। तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड इस तरह के देशों से अपनी बराबरी करिए, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। आप ही सोचिए कि आपके घर का एक बच्चा है, आप जाके उसकी तुलना किसी कमजोर बच्चे से करने लगे, ये तो गलत है ना। आपको तुलना करनी है तो किसी अच्छे से पढ़े लिखे बच्चे से करनी चाहिए ना, ताकतवर से। लेकिन हम क्या करते हैं कि अब पाकिस्तान को ले लेते हैं, बांग्लादेश को ले लेते हैं, श्रीलंका को ले लेते हैं। इस तरह से बराबरी नहीं होती है, समझ में आया आपको? तो हमारे देशों से अच्छी स्थिति में कौन कौन, अमेरिका भी है आपका, कनाडा भी है, फ्रांस भी है, चीन भी आपका हमसे बेहतर स्थिति में है। और हमारे यहाँ जहाँ 22% है, वहीं चीन में देख रहे हैं आप लोग 61% महिलाएं कामकाजी हैं, यानी कि काम करती हैं। हाल ही की कोरोना महामारी के दौरान उड़ीसा और केरल जैसे राज्यों में महिलाओं की कर्मठता से ने झंडे गाड़ दिए, समझ रहे हैं? उड़ीसा और केरल, इन दो देशों ने, राज्यों ने सॉरी, बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है इस क्षेत्र में। मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर बनाना, घर घर जाकर सब्जी बेचना, कमजोर घरों को राशन और खाद्य सामग्री पहुंचाने जैसे तमाम कामों के लिए वहां की महिलाओं ने कमर कस ली थी। उनके सभी कामों को स्वयं सहायता समूहों ने संगठित करके वेतनिक बनाया जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं किए जाने से इसे औपचारिक श्रम में शामिल नहीं किया जा सकता। एक बात समझिए कि मुझे लगता है घर घर जो सब्जी पहुंचाने वाले थे, इनका भी योगदान है जितना। अगर आपका लॉकडाउन सफल हुआ है तो उसमें इनका योगदान भी है आपका, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा, आपके गेट पर ही सब्जी आ गए ठेले, तो इसमें भी आपको कहिए बहुत सहूलियत मिली है इनसे। भारतीय महिला सैनिकों के औपचारिक कार्यबल में सम्मिलित न हो पाने के पीछे पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना, शिक्षा की कमी, अपेक्षित कौशल की कमी, घरेलू कामकाज तक सीमित रहना, सुरक्षित कार्यस्थल का अभाव, मातृत्व सुविधाओं का ना होना और वेतन में लैंगिक भेदभाव का होना आदि कुछ बड़े कारण हैं। आप समझ सकते हैं कि पितृसत्तात्मक सोच का मतलब यहाँ सीधा सा मतलब है कि कई परिवार सोचते हैं कि हमारे यहाँ की लड़की काम नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। मैंने यहाँ तक देखा है
कई परिवार नौकरी भी नहीं कराते अपनी बहू बेटी हो कोई भी हो। और दूसरी बात है कि वो उनका नौकरी ना करवाने का एक ही रीजन बताते हैं, जहाँ कार्यस्थल है उसकी सुरक्षा का अभाव, यानी कि किस तरह से वहां रह रहे, समझ में आया आपको। दूसरा, जो काम करना चाहते हैं उनमें कौशल की कमी है, क्योंकि जब प्रशिक्षण ही नहीं मिलेगा आपको तो आप कौशल आपके अंदर कहाँ से होगा। और जो आपका घरेलू कामकाज होता है इसे कार्यबल में नहीं जोड़ा जाता है, याद रखिए। आप समझ सकते हैं कि 24 घंटा आप घर में काम करते रहिए, आपके काम की वैल्यू नहीं रहेगी। और मातृत्व सुरक्षा सुविधाओं का ना होना, यानी कि अगर जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उस समय कुछ दिन तक वो बच्चा साथ में भी तो रहेगा माँ के, तो इस तरह की सुविधा नहीं है कि वो माँ अपने साथ बच्चे को रख सके उस स्थल। और सबसे बड़ा लैंगिक भेदभाव का भी एक कारण है। आप देखते हैं कि अगर महिलाओं को जहाँ तहजीह देनी चाहिए वहां नहीं दी जाती है, पुरुषों को ज्यादा तहजीह दी जाती है। सरकारी ऋण गारंटी के अभाव में सरकार की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी पहले भी इसमें नाकाम रही है। उपलब्धियों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देख सकते हैं 2001 में उड़ीसा सरकार ने मिशन शक्ति अभियान चलाया था। इसमें आपके 70 लाख ग्रामीण महिलाओं को शामिल करके 6 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए थे। केरल में गरीबी उन्मूलन मिशन की शुरुआत करके 40.39 लाख महिलाओं को लेकर 5 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए थे। दोनों ही मिशन में समूहों को सरल शर्तों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराए गए, इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली और वे अनेक छोटी योजनाओं पर काम कर सके। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने इन समूहों को अगले 5 वर्षों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की विपणन सहायता से जुड़ा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, अनेक पोषण कार्यक्रमों, मेडिकल सामग्री, बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए सरकारी खरीद से इनकी भागीदारी रखी जाएगी। समझ सकते हैं केरल वही है जहां महिलाओं की स्थिति बेहतर हमारे अन्य राज्यों से। लिंग अनुपात में ले लीजिए, फिर चाहे पढ़ाई लिखाई में ले लीजिए, हर तरह से केरल आपका सुरक्षित है। अभी कोरोना में देख लीजिए, केरल का मॉडल काफी हद तक सराहा गया। अब सरकार ने नहीं कहा उसके बारे में कुछ, वो अलग बात है, ठीक है। इन उदाहरणों से अन्य राज्यों को प्रेरणा लेते हुए महिलाओं को निम्न स्तरीय तकनीकी सुविधा के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण देने का प्रबंध करना श्रेयस्कर होगा। इससे अनौपचारिक क्षेत्र में लगे महिला कार्यबल को संगठित क्षेत्र में लाया जा सकता सकेगा। यह भारत की अर्थव्यवस्था के उद्यान की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो ये हाल था आपके यहाँ महिला कार्यबल की बारे में, ठीक है। बहुत स्थिति, बहुत खराब स्थिति है आपके यहाँ, याद रखिए।